हेलो फ्रेंड्स, मैं शादाब मेमन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जो है सुपर्ब कलेक्शन। और जैसे कि मैंने आपको आपके साथ मैंने काफ़ी सारे वीडियो शेयर किए हैं और आपने मेरे वीडियोस को पसंद भी किया है, लाइक भी किया है और आपने जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। मैंने आज जैसे आपको बहुत सारी पेट्रोल पंप के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है कि पेट्रोल पंप किस तरीके से बनानी है, उसी तरीके से मैंने आज जो है इंडिया का जो सबसे बड़ा ब्रांड है सीएनजी में महानगर गैस, इस महानगर गैस की सीएनजी पंप की सीएनजी स्टेशन की गैस स्टेशन की फ्रेंचाइजी कैसे लेनी है और उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, यानी अमाउंट, ज़मीन, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल कलर का जो बटन है सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो घंटी है बेल आइकन को भी क्लिक करके घंटी बजा दीजिए। तो जैसे कि दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि महानगर गैस स्टेशन जो है इंडिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ्यूल स्टेशन है, जो सबसे ज़्यादा गैस जो है ये है यही प्रोवाइड करता है। जैसे ओवरऑल इसके डेली कस्टमर जो है 0.86 मिलियन कस्टमर रोज़ाना अपनी गाड़ियों में जो है डीजल भरवाते हैं। 0.86 यानी 8,60,000 कस्टमर्स डेली एवरीडे दे फ्यूल डीजल फ्रॉम महानगर गैस सीएनजी। महानगर से ही वो डीजल भराते हैं, सॉरी सीएनजी लेते हैं, गैस लेते हैं। और गैस जो है एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, ग्रीननेस के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे हमारी मोदी सरकार ने पॉल्यूशन का प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए उन्होंने जैसे थैली बंद कर दी, उसी तरीके से क्यों एनवायरनमेंट को बचाने के लिए उन्होंने कहा पेपर बैग यूज़ करें, कपड़े का बैग यूज़ करें, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। उसी तरह से सीएनजी भी एनवायरनमेंट बचाने के लिए बहुत काम आती है। और आपने जगह जगह पर देखा होगा, महाराष्ट्र में तो खास करके जगह जगह पर आपको जो है फ्यूल स्टेशन मिलेंगे, महानगर के ही ज़्यादा मिलते हैं। इंडियन ऑयल वगैरह के भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर जो है महानगर के होते हैं। ये जो है कम से कम 60 से 70 लाख टैक्सियाँ इनके थ्रू जो है डीजल भराती है और लगभग 5 लाख गाड़ियाँ दिन में, 5 लाख ऑटो रिक्शा मुंबई में जो है डीजल सीएनजी भरवाती है महानगर गैस पालिका से। इन्होंने पूरा सारी चीज़ों का वो करके रखा है, इन्होंने रिकॉर्ड करके रखा है कि कितना डीजल भरा रही है गाड़ियाँ, कितना कितनी गाड़ियाँ आती है दिन भर। इनके काफ़ी सारे कस्टमर है और किसी भी कस्टमर के तरफ से मैंने एज एन फीडबैक आज तक कभी नहीं सुना कि उनका फ्यूल में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम आज तक नहीं आया इनका। और जो है कि महानगर गैस पालिका बहुत ही फेमस है, आप देखो कि कहीं पर भी सबसे टॉप, इंडिया का टॉप ब्रांड चल रहा है करंटली वो। तो आपको ये बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट क्या होती है, जैसे आपको 7,000 स्क्वायर फीट से लेके लगभग 9,000 स्क्वायर फीट ज़मीन की ज़रूरत होती है, यानी 700 स्क्वायर मीटर से 900 स्क्वायर मीटर ज़मीन की ज़रूरत होती है। और उसी के अलावा इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी कम है डियर, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट सिर्फ 30 लाख से 50 लाख रुपये के करीब आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। और ये जो ज़मीन की रिक्वायरमेंट मैंने बताई है, हाईवे पर भी आपको इतनी ही चाहिए और ख़ास करके हाईवे पर ही होना चाहिए। और सीएनजी पंप बनाना है, अगर आपके एरिया में ऑटो रिक्शा वगैरह चलती है गैस वाली, तो थोड़ी जगह बड़ी होनी चाहिए, मतलब जगह उसके लिए जो है 7,000 से लेकर 9,000 स्क्वायर फीट ही चाहिए। लेकिन बाहर का जो एरिया है, मतलब जहाँ पर वो गाड़ी पार्क कर सके, क्योंकि ज़्यादातर ऑटो रिक्शा होती है तो वो लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं, तो उस रोड पर अगर वो गाड़ी ऑटो रिक्शा खड़ी हो रही है तो किसी और गाड़ियों को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, आने जाने वाली गाड़ियों को। और उसी के अलावा आपका इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने बताया सिर्फ 30 लाख से 70 लाख रुपए के करीब आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। और आप जो है इसके लिए आपको जो है ऑनलाइन रजिस्टर्ड करना होता है। तो इसीलिए मैंने आपको जो है एक लिंक शेयर किया डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक के ऊपर आप ओपन करोगे, वो लिंक अगर आप क्लिक करते हो तो आपको जो है डीलरशिप का ऑप्शन आएगा जैसे वहाँ पर, और लिंक ओपन करोगे तो आपको वहाँ पर पूरी डिटेल लिखी होगी। जैसे मैंने आपको बताया आपको इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए और जैसे मैंने बताया आपको डेली ये लोग कितना फ्यूल भिजवाते हैं, कितनी ज़मीन की रिक्वायरमेंट होती है, पूरी जानकारी है यहाँ पर आपको। और इसमें बता दूँ मैं आपको, जैसे कि 7,000 से 9,000 स्क्वायर फीट ज़मीन चाहिए, उसके अलावा इसका जो है 25 मीटर फ्रंट होना चाहिए इसका, ताकि गाड़ी एंटर एग्जिट होगी ना फ्रंट से। तो उसके बाद आप ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको जो है कि एक आएगा डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म,
डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म के बाजू में महानगर गैस सीएनजी स्टेशन वेबसाइट लिखा हुआ होगा, ये जो है कि ब्लू कलर में लिखा हुआ होगा, तो आप वो क्लिक करोगे ना, तो आई एम लुकिंग आउट फॉर, मतलब आपको उसके अंदर फिर ऑप्शन आएगा आपको कि आप कौन सा फ्यूल स्टेशन ओपन करना चाहते हो, तो वहाँ पर डाल दीजिए सीएनजी करके, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे आई एम लुकिंग फॉर सीएनजी, तो सीएनजी वाला ऑप्शन है वहाँ पर, वो उसके ऊपर क्लिक करोगे आप, तो आपको वहाँ पर आपकी नॉर्मल डिटेल डालनी होगी, जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आप कहाँ पर बनाना चाहते हो, और इतना अगर आपको उसमें समझ में नहीं आ रहा है तो उनकी हेल्पलाइन नंबर भी है, हेल्पलाइन नंबर भी आपको उसी के ऊपर मिल जाएगी, मैं भी आपको बता देता हूँ, हेल्पलाइन नंबर जो है इनकी 1800-22-9944, ये जो है टोल फ्री नंबर है, अगर इस नंबर पर आप कॉल कर दे तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। उसके अलावा और एक नंबर है उनका 0222401-2400, ये मैंने नोट डाउन जो है कि मैंने आप लिख भी सकते हो, और मैंने जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये दोनों नंबर डाल दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आप जो है कि सारे वीडियोज़ देख सको। थैंक यू वेरी मच।